हे एवरीवन, आज मैं अपने चैनल फूड अपीट्स पर बनाने वाली हूँ तड़के वाली दही चावल की रेसिपी। कर्ड राइस साउथ इंडियन रीजन की एक बहुत ही पॉपुलर रेसिपी है जो लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि इसे बिना किसी झंझट के सिंपल तरीके से इंस्टेंटली बनाया जा सकता है और खाने में भी ये बहुत हेल्दी होती है। कर्ड राइस डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बनाई जा सकती है, मतलब इसके साथ आप हेल्दी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, जैसे ड्राई फ्रूट्स डाल के, वेजीज डाल के, या इसमें सिर्फ तड़का लगाकर इस सिंपल सी कर्ड राइस की रेसिपी को एंजॉय कर सकते हो। तो चलिए बनाते हैं हेल्दी कर्ड राइस की रेसिपी। इसके लिए हमें चाहिए बॉइल्ड चावल 1 कप, दही 1 और आधा कप, दूध 2 टेबलस्पून, घी 1 टेबलस्पून, सरसों के दाने 1 टीस्पून, खड़ा जीरा 1/2 टीस्पून, मेथी के दाने 1/2 टीस्पून, चना दाल 1 टीस्पून, उड़द दाल 1 टीस्पून, हींग 2 चुटकी, हरी मिर्च 2 चॉप्ड, सूखे हुए लाल मिर्च 2, करी पत्ते 10 से 12, कटे हुए अदरक 1 इंच, काजू 6 से 7, अनार के दाने 1 से 2 टेबलस्पून, धनिया के पत्ते 2 टेबलस्पून और नमक एज पर योर टेस्ट। कर्ड राइस बनाने के लिए सबसे पहले तड़का रेडी कर लेते हैं। तड़के के लिए एक पैन गर्म करें, उसमें 1 टेबलस्पून घी गर्म कर ले, गैस के फ्लेम को लो ही रखें और उसमें डालें 1 टीस्पून सरसों के दाने, खड़ा जीरा 1/2 टीस्पून, मेथी के दाने 1/2 टीस्पून, 2 सूखे हुए लाल मिर्च, चना दाल 1 टीस्पून, उड़द दाल 1 टीस्पून, 2 पिंच हींग, 10 से 12 करी पत्ते, 2 कटे हुए हरी मिर्च, कट किए हुए अदरक 1 इंच और इन सबको अच्छे से मिलाएं और डालें 6 से 7 काजू और कुछ सेकेंड्स के लिए इसे चलाएं। मैंने ड्राई फ्रूट्स में केवल काजू ही लिया है, आप चाहे तो किशमिश भी डाल सकते हैं। याद रखें, फ्लेम लो ही रखना है, नहीं तो ये जल जाएंगे। तड़के को बिल्कुल भी जलाना नहीं है, इसलिए गैस तुरंत ऑफ कर ले और फिर तड़के को चलाएं। अब एक मिक्सिंग बोल ले और उसमें डालें 1 कप उबले हुए चावल। चावल को मैंने पहले ही कुक कर लिया था और 1 और आधा कप दही ऐड करें। फिर डालें 2 टेबलस्पून दूध। आप दूध की जगह छाछ का भी यूज़ कर सकते हैं। दूध या छाछ डालना इसलिए ज़रूरी है ताकि इसकी कंसिस्टेंसी को बैलेंस किया जा सके। कुछ टाइम के बाद दही में जो पानी है उसे चावल सोक कर लेती है, इसलिए कर्ड राइस को लिक्विडी रखना ज़रूरी है। अब इसमें जो तड़का रेडी किया था वो डालें। याद रखें, तड़के को हमें ठंडा कर ही डालना है। आप दही और चावल को जिस पैन में तड़का बनाया था उसमें भी डालकर मिक्स कर सकते हैं। फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें और साथ में डालें 2 टेबलस्पून अनार के दाने और 2 टेबलस्पून धनिया के पत्ते डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लें। और ये लीजिए, बन गई तड़के वाली दही चावल की रेसिपी। इसे आप ऐसे ही या फिर ठंडा सर्व कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में कर्ड राइस को
अपने लंच में इंक्लूड जरूर करें। अगर आपको मेरी ये कर्ड राइस की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल फूड अपडेट्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर।